हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यूपी बोर्ड पोएम नंबर 7, द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन 1809 एंड ही वाज एजुकेटेड इन ट्राइनिटी कॉलेज। He was a reputed poet of Victorian age, and he was also a poet of laureate from 1852 till his death। जिस तरह से हमारे यहाँ राजा होते थे और उन राजाओं के दरबार में कवि होता था, इसी तरह से इंग्लैंड में भी राष्ट्र कवि होते थे जिनको पोएट लूरेट या लूरेट ऑफ पोएट कहते थे। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में लूरेट ऑफ पोएट अपॉइंट हुए थे और अपनी मृत्यु तक वो एक तरह से राष्ट्र कवि रहे। ये पोएम आपकी द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बड़ी पोएम, एक लंबी पोएम है जिसका नाम है मॉर्टेड डी आर्थर, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। ये पोएम 12th का पार्ट भी है और CCS यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में भी ये पोएम रखी गई है, CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी पार्ट है। तो इस पोएम में 4 स्टेंजाज हैं, 4 स्टेंजाज में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आर्थर नाम का एक किंग होता है, मॉर्टेड डी आर्थर, उसके अंतिम समय का इसमें डिस्क्रिप्शन देता है। कहानी क्या होती है, जो किंग आर्थर होता है वो एक युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में वो पराजित हो जाता है, इंजर्ड होता है और युद्ध से बचकर भागने के लिए वो अपनी 3 रानियों के साथ एक नाव में अज्ञात स्थान के लिए अपनी एक मिस्टीरियस जर्नी पे जा रहा होता है। और उस के साथ उस टाइम उस नाव में उसका एक फेथफुल वॉरियर, एक वफादार सैनिक, एक वफादार योद्धा, एक वफादार सूरवीर उसके साथ होता है जिसका नाम होता है बेडीवियर। तो चूंकि राजा को लग रहा है आर्थर को कि उसका अंतिम समय है, तो वो बेडीवियर को स्टार्टिंग में सोसाइटी के बारे में बताता है, समाज के बारे में बताता है कि किस तरह से कस्टम्स, किस तरह से जो सिस्टम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदलते रहते हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी परंपराएं उसके स्थान पर आ जाती है। बाद में कुछ प्रेयर के बारे में बताता है कि प्रेयर में कितनी पावर होती है और प्रेयर में कितने मिराकल हो सकते हैं, प्रेयर के द्वारा कितनी चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरे बीच में पोएम के वो इम्फासिस करता है कि हम सबको प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और जो लास्ट स्टेंजा है एंड ऑफ द पोएम, उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन करता है मैन और एनिमल्स में कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। तो देखते हैं पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फर्स्ट स्टेंजा, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स, द ओल्ड मैन सॉरी द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड एंड स्लोली, और धीरे से, मैंने बताया था ना इंजर्ड भी है ओल्ड भी है, तो स्लोली आंसर्ड उत्तर देता है आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होती है ए लाइट बोट, एक हल्की नाव, जिससे वो अपनी 3 रानियों के साथ एस्केप कर रहा है, बचकर निकल कर भागने की कोशिश कर रहा है। और धीरे से राजा आर्थर अपनी इस छोटी नाव से उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, जो पुरानी परंपराएं हैं वो बदल जाती हैं, जो पुरानी प्रणालियाँ हैं वो बदल जाती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग माने देते हुए, प्लेस माने स्थान, टू न्यू माने नई को, कि पुरानी परंपराएं नई परंपराओं को स्थान देते हुए परिवर्तित आ जाती हैं, हो जाती हैं, अर्थात पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, उनके स्थान पर
नई परंपराएं आ जाती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, एंड गॉड और ईश्वर फुलफिल्स पूरी कर लेता है अपनी इच्छा हिमसेल्फ अपनी स्वयं की इन मैनी वेज कई तरह से। देखिए जहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन कैपिटल लेटर में आ जाते हैं, इट मीन्स कैपिटल लेटर में आने का मतलब सेंटेंस के बीच में वो ईश्वर के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ हिमसेल्फ का एच कैपिटल है, इसका मतलब ये हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ किया है, गॉड के लिए। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेकों ढंग से पूर्ण कर लेता है, पूरा कर लेता है। ईश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी इच्छाएं अपने तरीके से पूर्ण कर लेता है। क्यों कर लेता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम की एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा यदि लंबे समय तक संसार में टिकती है तो वो संसार को भ्रष्ट कर देती है, करप्ट कर देती है, बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। तो इसलिए कितनी अच्छी परंपरा क्यों ना हो, वो चेंज हो जाती है, उसके स्थान पर दूसरी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। तो यहाँ आर्थर भी यही बता रहा है कि गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, कि ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेकों प्रकार से पूर्ण कर लेता है। लास्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी परंपरा लंबे समय तक रह करके संसार को प्रदूषित कर दे, संसार को भ्रष्ट कर दे। देखिए जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देकर बता रहा हूँ, इन एंशियंट टाइम हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, स्टूडेंट्स को अपने घर से दूर गुरुकुल में रहना होता, और गुरुकुल भी कहाँ होते थे, विशेष रूप से वनों में होते थे, बस्ती से, शहरों से, गाँवों से बिल्कुल बाहर जंगलों में होते थे। वहीं पर गुरु रहते थे, वहीं पर शिष्य रहते थे, वहीं पर उनका खाना पीना सोना नहाना सब कुछ वहीं होता था, उनका उठने का समय निर्धारित होता था, हर चीज़ का उनका हर काम का समय निर्धारित होता था, और उसी के अकॉर्डिंग वे अनुशासित होते थे। एक तरह से ये कहें हम उनको कि जिस तरह से सोने को गर्म करके आकर्षित बना दिया जाता है, उसी तरह से गुरु शिष्य को अनुशासित करके, ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके समाज के लिए, एक तरह से हम ये कहें कि उसको जिसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, तो एक व्यक्ति को गुरुकुल में रह करके उस भट्टी में तपना पड़ता था, जिससे कि वो चारों तरफ प्रकाश फैलाने के लिए, अपनी चकाचौंध फैलाने के लिए तैयार हो सके। लेकिन वो परंपरा अच्छी थी, लेकिन आज के परिदृश्य में वो परंपरा सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यदि आज हम उस परंपरा को फॉलो करेंगे तो वो करप्शन ला देगी, इसलिए उसके स्थान पर नई परंपराएं आज आ चुकी हैं। आज स्टूडेंट्स किस तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं, किस तरह के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये आप सबको पता है। लेट अस सी सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में देखते हैं। कंफर्ट थाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, अब बेडीवर को क्या कहता है किंग आर्थर, आई हैव लिव्ड माय लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट थू इफ थू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, कंफर्ट थाई सेल्फ, कि अपने आप को ढांढस बंधा लेना, अपने आप को तसल्ली देना, कंफर्ट मीन्स तसल्ली दे लेना, अपने आप को तसल्ली दे लेना, अपने आप को ढांढस बंधा लेना, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जिस तरह से मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली है, जिस तरह से मैंने अपने आप को सांत्वना दे ली है, जिस तरह से मैंने अपने आप को ढांढस बंधा लिया है, तुम भी अपने आप को सांत्वना दे लेना। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कहता है कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मुझे अपने जीवन में करना था मैंने वो कर लिया है, मैंने अपना जीवन जी लिया है। क्योंकि मैं बता रहा था ओल्ड एज है, तो लगता है उसको अंतिम समय आ रहा है, तो कहता है कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, और जो मुझे अपने जीवन में करना था वो मैंने कर लिया है। क्या कहता है, मे ही, फिर से देखिए ही कैपिटल में, किसके लिए, ईश्वर के लिए, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे किए गए कार्यों को वह अपनी शक्ति से पवित्र कर दे, प्योर कर दे, अच्छा बना दे, कि मैंने जो कुछ किया है अपने जीवन में अच्छा बुरा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन मेरे द्वारा किए गए कार्यों को प्योर कर दे, पवित्र कर दे, अच्छा बना दे। बट थू, लेकिन बेडीवर को कहता है, लेकिन तुम, थू जिसे हिंदी में हम तू कहते हैं, थू मीन्स यू होता है, आप, तुम,
लेकिन आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में तू बोलते ना तो थू, बट थू लेकिन तुम। इफ थू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम फिर से मेरा चेहरा ना देख पाओ, इट मीन्स यदि तुम फिर से मुझे ना मिल पाओ, तात्पर्य कि यदि मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन तुम यदि मैं जिंदा ना रहूं तो क्या करना है। तीसरे स्टेंज में कहता है प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, वेयर फॉर लेट थाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, प्रे फॉर माई सोल। देखिए तीसरे स्टेंज में आर्थर तीसरे स्टेंज में आकर के प्रार्थना के बारे में बताता है कि ईश्वर की प्रार्थना करना कितना आवश्यक है और ईश्वर की प्रार्थना में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। तो प्रार्थना के बारे में बताता है, प्रे फॉर माई सोल, कि यदि तुम मुझे जीवित ना पा सको, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। क्या कहता है, मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर, के प्रार्थना से बहुत सारी चीज़ें पूरी की जा सकती हैं, मोर थिंग्स रोट पूरी की जा सकती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना से, कि प्रार्थना के अंदर वो चमत्कार है, प्रार्थना के अंदर वो ताकत है कि प्रार्थना से हम असंभव कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, ऐसे कार्यों को भी प्रार्थना से पूरा किया जा सकता है जिनके बारे में ये संसार सपने में भी नहीं सोच सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान की जो पूजा है, ईश्वर की जो पूजा है, ईश्वर की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत है। हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अपने उस वफादार सैनिक से कह रहा है कि यदि मैं जीवित ना रहूं तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। उसका फिर कारण बता रहा है, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और ईश्वर की प्रार्थना से असंभव कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। ईश्वर की प्रार्थना में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसके बारे में यह दुनिया सपने में भी नहीं सोच सकती है। इसलिए यदि मैं जीवित ना रहूं तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। वेयरफॉर, इसलिए, लेट थाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ राइज लाइक ए फाउंटेन, फव्वारे की तरह ऊपर उठनी चाहिए। राइज लाइक ए फाउंटेन, फाउंटेन और वॉइस की कंपेरिजन की गई है, लाइक का यूज़ किया गया, इसलिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, कि यदि मैं जीवित ना रहूं तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, ताकत होती है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ फव्वारे की तरह दिन रात मेरी आत्मा की शांति के लिए, प्रार्थना के लिए भगवान से ऊपर को उठती रहनी चाहिए। जिस तरह से फव्वारा होता है, नियमित रूप से ऊपर 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 उठता रहता है, इसी तरह से कहता है वो उसको, बेडीवर को, अपने वफादार सैनिक को कहता है कि जिस तरह से निरंतर फव्वारा ऊपर उठता रहता है, तुम्हारी आवाज़ भी मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना में हमेशा फव्वारे की तरह निरंतर ऊपर उठती रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लगातार मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। यदि मैं जीवित ना रहूं तो निरंतर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना ईश्वर से। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में, ईश्वर की प्रार्थना में, ईश्वर की पूजा में बहुत ताकत होती है और असंभव कार्य भी ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा संभव किए जा सकते हैं। ऐसे असंभव कार्य भी जिनके बारे में ये दुनिया सपने में भी नहीं सोच सकती। अब लास्ट स्टेंजा पोएम का, और पोएम के लास्ट स्टेंजा में कंपैरिजन करके बताता है पोएट कि मनुष्य और पशु, इन दोनों में क्या अंतर होता है। लेट अस सी फोर्थ स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा क्या कहता है फोर्थ स्टेंज में, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु देम फ्रेंड, सो फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज इन एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेंज अबाउट द फीट ऑफ गोड बट नाउ फेयरवेल, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स मीन्स होता है भेड़ बकरियाँ, लेकिन यहाँ हम पशु कहेंगे भेड़ बकरी की बजाय,
फॉर व्हाट आर मैन बेटर, डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर रहा है मैन और एनिमल में। फॉर व्हाट, कि किस प्रकार आर मैन बेटर, बेहतर है मनुष्य, देन शीप एंड गोट्स, कि मनुष्य ऐसे मनुष्य पशुओं से किस प्रकार बेहतर हैं, ऐसे मनुष्य पशुओं से कैसे अच्छे हो सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकते हैं, दैट नरिश्ड ए ब्लाइंड लाइफ, दैट नरिश जो जीवते हैं ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकार में जीवन विद इन द ब्रेन। भाई पशुओं के अंदर ब्रेन नहीं होता, तार्किक शक्ति नहीं होती, पशुओं के अंदर मस्तिष्क होता है लेकिन वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता, उनके अंदर तर्क शक्ति नहीं होती, उन्हें अच्छा और बुरा पता नहीं होता, उन्हें भगवान की प्रार्थना कैसे होती है पता नहीं होता। लेकिन मनुष्यों को पता होता है कि ऐसे मनुष्य जो तार्किक शक्ति रखते हुए यानी मस्तिष्क रखते हुए भी अंधकार में जीवन जीते हैं, ब्लाइंड लाइफ, ब्लाइंड लाइफ मीन्स अंधकार में जीवन, या हम कहें कि बिना अध्यात्म का जीवन, जिनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और जो एक अंधकार में जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्ति पशुओं से किस प्रकार बेहतर हो सकते हैं, यानी जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनके पास तार्किक शक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य मस्तिष्क होते हुए भी पशुओं के समान होते हैं। इफ नोविंग गॉड, जो भगवान को जानते हैं, देखिए पशु भगवान को नहीं जानते लेकिन मनुष्य भगवान को जानते हैं क्योंकि उनके पास तार्किक शक्ति होती है। इफ नोविंग गॉड, कि जो मनुष्य को, जो ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नोर हैंड्स ऑफ प्रेयर, भगवान की प्रार्थना के लिए जो अपने हाथ कभी नहीं उठाते हैं, भगवान को जानते हुए भी जो भगवान की पूजा के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए कभी अपने हाथ नहीं उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति अंधकार में जीवन जीते हैं और मस्तिष्क होने के बावजूद भी वो पशुओं से बेहतर नहीं होते हैं, पशुओं के समान ही होते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति न तो अपने लिए कभी प्रार्थना करते हैं और न उनके लिए कभी प्रार्थना करते हैं जिनको वे अपना मित्र कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो अंधकार में जीवन जीते हैं, जो पशुओं के समान होते हैं, जो मस्तिष्क होने के बावजूद भी तार्किक शक्ति नहीं रखते, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान जिनको नहीं होता, ऐसे व्यक्ति पशुओं के समान होते हैं, भगवान को जानते हुए भी कभी भगवान की प्रार्थना में न तो अपने लिए ना ही अपने मित्रों के लिए भगवान से कभी प्रार्थना करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज इन एवरी वे, फॉर सो माने क्योंकि, द होल राउंड अर्थ, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा संसार इज इन एवरी वे, प्रत्येक ढंग से बाउंड बाय गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से बाउंड मीन्स बंधा हुआ है। सोने की जंजीर क्या है, सोने की जंजीर को यहाँ सोने की जंजीर का मतलब है ईश्वर से प्रेम। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हर संभव तरीके से ये पूरा संसार प्रेम रूपी जंजीर से, भगवान के चरणों से, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ये पूरा संसार प्रेम रूपी, ईश्वर से प्रेम रूपी जंजीर से, पूरा संसार ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति, जो मनुष्य तार्किक शक्ति नहीं रखते, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर की पूजा नहीं करते वो पशु के समान होते हैं। बट नाउ फेयरवेल, और फिर कहता है अपने सैनिक से कि अब मुझे विदा करिए, मैं अब अपनी मिस्टीरियस जर्नी पर जा रहा हूँ, मैं अपनी रहस्यमय यात्रा पर जा रहा हूँ। उसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, वो एस्केप कर रहा है, युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है, इसलिए वो एक स्पीच दे करके, एक आध्यात्मिक उपदेश दे करके अपने वफादार सैनिक बेडिवर को, और फिर उसे कहता है, उससे विदा मांगता है, बोलता है बट नाउ फेयरवेल, कि अब मुझे आप विदा करिए। तो पहले स्टंजा में पोएट का जो कहना होता है वो ये होता है कि पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, नई परंपराएं उनका स्थान ले लेती हैं। दूसरे में उसने बताया कि मैंने अपने आप को कंफर्ट दे लिया है, अपने आप को सांत्वना दे ली, तुम भी अपने आप को सांत्वना दे लेना। तीसरे स्टेंजा में वो प्रेयर पर इम्फासिस करता है कि ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें बड़ी शक्ति होती है, और
इस लास्ट स्टेंजा में ईश्वर हर तरह से, ये पूरा संसार ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है, इसलिए ऐसे मनुष्य जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते उनको पशुओं के समान बताता है पोएट, और उससे प्रार्थना करता है कि मेरी आत्मा की शांति के लिए फव्वारे की तरह से तुम्हारी आवाज़ हमेशा उठती रहनी चाहिए, निरंतर मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए यदि मेरी मृत्यु हो जाती है। अंत समय में व्यक्ति को का जब अंत समय आता है, जब उसको अच्छा ही अच्छा दिखने लगता है सब, तो इसलिए इसने ये भी कहा है कि मैंने जो कुछ करना था वो कर लिया, और ये भी प्रार्थना करता है कि मैंने जो अच्छा बुरा किया है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने प्रताप से उन सबको प्योर कर दे। तो ये पोएम आपकी पोएम नंबर 7 यूपी बोर्ड की और CCS यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में रखी गई है, द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। स्टूडेंट्स, यदि मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर आपको, नेक्स्ट लेक्चर आपको इसी तरह से मिलते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।